12-18 घंटे ये सोचते हैं कि कल मुझे किस तरह का फोटो खिंचाना है, कल मुझे हिमाचली टोपी पहननी है या गमछा डालना है और या मस्जिद में जाना है। आगे जी बेटियों के लिए होते एक चुटकी का काम था, बोलते थे भाई इस्तीफा दे चल अपनी इंक्वायरी करवा, भाई को टेस्ट करवा दो, क्यों नहीं करवाया आज तक? आपको क्यों डर सता रहा? आप 6 सीटें मत देखिए, आप जनता देखिए, जनता के मसीहा है, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनके मन की है कि मन मर्जी करो और कहीं भी अपराध करो और खुले सांड की तरह घूमो, बस ये उनके मन की बात है। मोदी जी से आप तो पूछिए कि भाई आपको किस चीज का डर लग रहा है, पूरी जनता ने देश की जनता ने आपने चुना है, देश की जनता आपके साथ है। देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इतने बड़े बाहुबली के लिए कि इसके खिलाफ एफआईआर करे। इसमें संविधान है तो संविधान को अपना काम क्यों नहीं करने दिया जाता? ये तो संविधान के द्वारा हर चीज होनी चाहिए ना सर, जब संविधान काम करेगा ये आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ रही सर? देश में जब आप कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ती है? ये बताइए बहनों को, देश की गर्व है, जिन्होंने बहनों ने मेडल ला के दिया की गर्व है, और ये बताइए उनको भी आके इतने बड़े ये उसके साथ अपने साथ अन्याय होने के बाद उनको भी सड़कों पे आना पड़े तो ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये सर क्षेत्र का आंदोलन नहीं है ना किसी का आंदोलन, ये एक व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे भारत का है और भारत की बहनों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसी हरियाणा के किसी जात बरादरी के नहीं हुआ है, ये पूरी बहनें जो है ना ये भारत की बहन है और भारत की बहनों के साथ अन्याय हुआ है। जिस आदमी की बात कर रहे हैं ना सर, वो आदमी बहुत बाहुबली आदमी है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, उस आदमी के ऊपर गरीबों के मसीहा है, झूठ है सर झूठ, बाहुबल बहुत बड़ा बाहुबली आदमी है और उस बाहुबली के बोलना सबके उस बाहुबल के विरोध में किसी को बोलने बोल नहीं सकता कोई, वो आदमी बाहुबल है, बहुत बड़ा बाहुबल ताकतवर है। उनका कहना ये है कि सिर्फ ये एक गढ़ का है, नहीं नहीं ये सर झूठ है, ये हम बता रहा हूँ कि पूरा जो आंदोलन है जो पूरे भारत का आंदोलन है, इसमें किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये हरियाणा की बेटियां नहीं है, पूरे भारत की बेटियां हैं और भारत की बेटियों के साथ जब न्याय नहीं हो रहा उनको सम्मान नहीं मिला तो ये बड़ी शर्म की बात है। मोदी जी को सबसे पहले उससे बर्खास्त करना चाहिए, उसको बर्खास्त के बाद अपने न्याय हो जाएगा, अपने यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। सर इसमें तादाद की क्यों बात आ रही है? संविधान के द्वारा क्यों नहीं काम करने दे रहे? बताइए इतने नार्को टैक्स है, इतनी जाँच एजेंसी, इतनी चीजें हैं कि जिससे आप तुरंत के तुरंत उसको साबित कर सकते हैं कि गलत है कि नहीं है, उसको क्यों नहीं उसको बाहर कर रहे, उसको वहाँ पे बैठा रहे, क्यों बैठा रहा आपको क्यों डर सता रहा? आप 6 सीटें मत देखिए, आप जनता देखिए, जनता के मसीहा है, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री की तरह काम करिए। सर एक बताइए कोई आपने आज तक कोई देखा एक बताइए इतना बड़ा जिसके कृत हो जाए, कोई आज तक आपने देखा होगा मीडिया बहुत करते कोई सड़क पे कोई आ पाया किसी ने अपनी आवाज रख पाई? क्यों उसको समाज नहीं जीने देती सर? सर न्याय के लिए आना चाहिए वो नहीं, लेकिन न्याय के लिए आ रहे हैं ना सब, जैसे जैसे पता लग रहा है। ये बताओ जैसे यहाँ का मीडिया है जो टीवी मीडिया होता है वो सर चाय पीते हैं साथ में जब बेटियां मेडल लाती है तो, और कहते हैं शाबाश अगली बार फिर से, क्यों आ गई ना वही बात जो फिल्म मेकर वाली थी, वो केवल फोटो शूट करने के लिए फिल्म बनाने के लिए कहते हैं अपना सेल्फी लेने के लिए, वो सेल्फी खिंचाने वाले बुलाए तब दिक्कत, सेल्फी 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 बॉय है वो, सेल्फी बॉय सेल्फी बॉय बस, सेल्फी के अलावा कुछ नहीं है ना। भारत माता का लाल है कहते कि सोता नहीं देश की राष्ट्र सेवा में, छुट्टियां नहीं लेता, 18-18 घंटे ये सोचते हैं कि कल मुझे किस तरह का फोटो खिंचाना है, कल मुझे हिमाचली टोपी पहननी है या गमछा डालना है और या मस्जिद में जाना है, किस तरह की टोपी पहननी है? हम मस्जिद में भी जा रहे हैं तो दिक्कत हो गई, ठीक है ना, किस तरह की टोपी पहन किस तरह की टोपी पहन, हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि 18 घंटे जो काम कर रहे हैं वो हमको समझ नहीं आ रहा है, और जो 9 साल से मन की बात कर रहे हैं वो कैसी मन की बात है भैया? जो एपिसोड पूरे हो गए कैसा, अरे वो 100 एपिसोड पूरे है गए और मन की वो कितनी बड़ी मन की बात है जो मन की बात 9 साल में पूरी ना है भाई, वो कौन सी मन की बात है? पत्रकार महोदय जनता के मन की बात है, जनता के मन की, जनता के मन की नहीं है, जनता की पीड़ा, ये उनके मन की है, ये उनके मन की है कि मन मर्जी करो और कहीं भी अपराध करो और खुले सांड की तरह घूमो, बस ये उनके मन की बात है। देशभक्त हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, देश की बस सेवा कर रहे हैं वो। जाओ ना झोला उठा के, एकदम मन निश्चल मन से सेवा हो रही है।
झोला उठाए के तो तुम जाने वाले ही हो, तथा तथा नाम यथागुण, जैसा उन जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कर्म ऐसे करे हैं इसलिए झोला तो उनको उठा के जाना ही है। अच्छा चलिए ब्रजभूषण पे आते हैं। आज 6 मई है, आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है कि बैकडोर से कहीं ना कहीं लड़ाई जो है कुश्ती संघ अध्यक्ष को लेकर के ही थी। अच्छा, अब कुछ मामला आगे बढ़ सकता है, अध्यक्ष पद भी अब आज से चला जाएगा और FIR का तो आदेश हो ही चुका है। उनके तो सब रिश्तेदार सब अध्यक्ष हैं, सब सब देख लो कहने सब सब लगे हुए हैं वो तो वहीं में। और फिर अध्यक्ष पद जाओ या रहो, ऐसे अपराधी को, ऐसे अपराधी की जगह केवल और केवल ओनली फॉर जेल, जेल है। अच्छा ब्रजभूषण बार बार बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमको जनता जिताती है, बबीता फोगाट और तमाम उन्होंने नाम लिया कि साक्षी मलिक और यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं बजरंग पुनिया, इनके आशीर्वाद से हम नहीं जीतते हैं। बिल्कुल, छठवीं बार सांसद बने हैं, बिल्कुल, और जनता के लिए काम करते हैं और जनता जिताती है। बिल्कुल, आप चिल्लाते रहो जनता जिताती है। हाँ अच्छा, जनता जिताती है तो जी मुकदमा भैंस पोहे भैंस पोहे कर दें जाके नाम पे मुकदमा। इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये जनता ने ही तो कराए हैं। राजनीतिक मुकदमे कह रहे हैं कि छेड़खानी का आरोप नहीं है, राजनीतिक मुकदमे हैं। पशुओं ने कराया ये मुकदमा जो है, देखो ना कितने मुकदमा है। कि चलिए बाहर है आपके पास, बताइए अब क्या करें। उनका कहना है कि किसी का आशीर्वाद से नहीं जीतता हूँ, जनता चुनती है, चुन के संसद में आया हूँ और मोदी का दे अभी पद को लात मार दूंगा। हालांकि पद तो आज कार्यकाली समाप्त हो गया, ये तो पूरे देश को पता चल रहा है कि मोदी जी के शरण में है वो। मोदी जी ऐसे ऐसे अपराधियों को, बहुत सारे अपराधियों को अपनी शरण में लिए हुए हैं, तब जा कर के इनका जो है ना ये जबान निकल रही है। वरना एक आम आदमी के ऊपर 38 की अगर एक एफ आई आर भी होती तो अब तक वो जेल की सीखचों के पीछे होता। लेकिन आज एक दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बड़ा अपराधी जो बाहुबली है, आप कह रहे हो वोटों को क्षेत्र में दबदबा है, पूरे पूर्वांचल का गुंडा है, ऐसे व्यक्ति जो है ना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके भाई उपाध्यक्ष हैं और उनके बेटे का साला जो है ना वो उपाध्यक्ष सचिव है। हाँ, ये लोग पूरा परिवार जो है पूरा फेडरेशन के अंदर है। ये राजनीति नहीं करते, राजनीति प्रभाव का इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं। आपने कहा यूपी पूर्वांचल का गुंडा, किसने बनाया यूपी पूर्वांचल का गुंडा इनको, ऐसे किन सरकारों ने? ये पहले के जो राजनेताओं ने इनको शरण दे दे करके इनको पाला है और इन्होंने लोगों पर जो वहाँ पर एक डर का माहौल बनाकर लोगों को अपने अंडर लिया है, अपने दबाव में रखा है, उनको शोषण किया, बाहुबली बन गए वहाँ पे सारी जमीनों पर और खनन पर। ये खनन माफिया है, यही लोग हैं और कौन है? इन्होंने तो फेडरेशन तक पर कब्जा कर रखा। आप देखिए ना, देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इतने बड़े बाहुबली के लिए कि इसके खिलाफ FIR करे, तब जा करके तो दिल्ली पुलिस चेती है और उसने FIR दर्ज की है। अब आप कहते हैं कि कार्रवाई, तो कार्रवाई जब करेगी जब मोदी जी कहेंगे। वो ये कह रहा है कि मोदी जी कहें तो मैं आज अरेस्ट हो जाऊं। अगर मोदी जी का इशारा हो तो दिल्ली पुलिस आज अरेस्ट कर ले उनको, लेकिन इशारा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोदी जी प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री का रोल कम अदा कर रहे हैं। देश में मणिपुर जल रहा है आज, वो प्रचार में कर्नाटका गए हुए हैं, देश की बेटियाँ यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों में बच्चे धरनारत हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हें चुनाव से मतलब है, देश की जनता से मतलब नहीं है। 2014 के बाद हमने मोदी जी का चुनाव प्रचार देखा है या भारत की जनता को लाइन में खड़े हुए देखा है। और ये लोग जो साफ होकर भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ होकर के अपने आप को दिखाते हैं, पाप साफ हैं, हम ईमानदार हैं, नेक हैं, तो ऐसे लोग जो और पार्टियों से हेरा फेरी करके जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे, भाजपा ने उनको एक अपने एक दल में शामिल करके उनका एक बहुत बड़ा एक गठजोड़ के साथ ये सरकार चल रही है। अगर यही काम किसी और पार्टी के नेता ने किया होता तो अब तक कभी का अरेस्ट हो गया होता, या कोई मुस्लिम होता तो अभी तक कभी का एनकाउंटर कर दिया जाता, या कोई भी ऐसा जय श्री राम का नारा लगा के जैसे अतीक के साथ हुआ है वैसे कर दिया गया होता। लेकिन आज ऐसे लोग, बाहुबली लोग सत्ता में हैं, 96% लोग करोड़पति संसद के अंदर बैठाए हैं देश की जनता ने, और 44% सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मैं नहीं कहता है, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। आप लोगों को ये क्यों लगता है